अम्मा कांग्रेस ऐसी पार्टी है, हम देखते हुए हमने बहुत फख्र महसूस हो रहा है। ऐसा ये करंट दे तो 440 वाट आता ना, ऐसा होता है। लिहाजा इस प्रोग्राम में अपने अपने वक्त को ज़ाय करते हुए कीमती वक्त देकर यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, और एक मेरे काबिल दोस्त मेरे भाई बी असलम साहब भी आकर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ये एक ऐसी फोर्स है हमारे नमा कांग्रेस की, और एक हमारे हरदिल अजीज दोस्त मुश्ताक साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरे कम्बी असलम साहब जो लगातार मुसलसिल 10-11 साल से नम्मा कांग्रेस के खड़े रहे, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शप्पू कहीं शप्पू तुझे ही शप्पू शप्पू, और एक हमारे शप्पू साहब के खिदमत में भी एक गुलारे पेशे खिदमत है, और चांद साहब की खिदमत में नहीं भाई मुझे मालूम होता नहीं। और हमारे हरदिल मेरे काबिल छोटे भाई जनाब शब्बीर साहब की खिदमत में गुजारे, हजरात स्टेज को बैठी सामने हमारे, और एक बहुत बड़ी ताकत दो जिया साहब और नफीस साहब बैठे हैं, उन दोनों की खिदमत में एक एक गुलहार पेश करता है। ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे पार्टी के, मैं बोलता हूँ देखिए साहब नम्मा कांग्रेस पार्टी ना छोड़ो सर तवज्जो सर स्वल्प गमना, नम्मा कांग्रेस पार्टी श्री आर पुर प्रकाश साहब बनाई हुई है, लेकिन हम नम्मा कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, हम एक खानदान के एक घर की जगह कुटुंब तरह ना वो सदस्य आगे दी इन नहीं पार्टी कटिदीवा मंचल ना कूदी इन नम पार्टी नम सदस्य और मेरे छोटे भाई इरफान साहब की खिदमत में एक गुलार मुस्तफा मुस्तफा साहब जो लगातार 10-11 साल से लकी बोलो उनकी खिदमत में बालू वाले एजाज साहब की खिदमत में गुलार जनाब बाप जान साहब की खिदमत में गुलार अकीदत पेश कर शहीदा नगर जम्मू जम्मू अरे मैं इस्तकबाल तकरीर खत्म करते हुए अब हमारे स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट साबिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने तासुरात पेश करें। जनाब साबिर पाशा साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आवाज नहीं करे तो थोड़ा साइलेंट हो भाई, मेहरबानी से भैया धरती काम जाते नहीं आओ।